अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। फाइनली यार, काफ़ी दिन बाद जो है ना टूर के लिए दोबारा रेडी हो गए हैं, और ये जो ट्रिप है ये लोकल और सोलो ट्रिप है। तो अभी हम जो है ना तैयारी कर रहे हैं इसकी, इंशाल्लाह सुबह जो है ना यहाँ से रवानगी है। 2 या 3 दिन का ये टूर है और नारान जाएंगे, घूमे फिरेंगे। आजकल जैसे आपको पता है नारान एकदम पुरसकून है, ऐसा नारान कभी कभी देखने को मिलता है। लास्ट टाइम हमने कोविड के डेज में जो है ना नारान को ऐसा देखा था कि बिल्कुल पुरसकून, और अभी जो है ना सुन रहे हैं कि बिल्कुल नारान एकदम पुरसकून है। इसकी जो खामोशी है इसको जाके इंजॉय करेंगे। तो कल सुबह मिलते हैं हम। और जी हमारा नाश्ता वाश्ता हो गया, टूर की फ़िदा होगी, पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके फिर जाएंगे मानसेरा अड्डे की तरफ, नाश्ता करके जो है ना फिर आगे निकलते हैं। यार इस टूर का बताते जाए, इस टूर की इब्तदा बड़ी जलालत भरे अंदाज में हुई थी। प्लान बना हमारा 5 बंदों का कि यार 5 बंदे जाएंगे, साथ अफाक, सॉरी अफाक नहीं, साथ था मैं, था साहिबान, हारिस, फासिक। प्लान बना इन 5 बंदों का कि यार 5 बंदे जाएंगे टूर पे। जब जैसे जैसे रवायती अंदाज में टूर का वक्त करीब आता जाता है, तो आपको पता है कि कज़नों की तो ये बात होती है कि जब आपका टूर कम्प्लीट होने वाला होता है, या मतलब टूर की प्लानिंग कम्प्लीट होने वाली होती है, एंड टाइम आता है तो किसी के जो है ना वो कैश हो जाता है, किसी का कैश हो जाता है। तो सेम इसी तरह जो है ना हमारे साथ भी हुआ, ठीक है। किसी ने कहा जी पैसे नहीं है, किसी ने कहा जो है तो मेरी बाइक पंचर हो गई है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। तो हमने कहा भाई अल्लाह का नाम लेते हैं, हम निकलते हैं टूर के लिए, कुछ भी हो जाए। तो हमने अपना बैग बांधा, साथ लिया एक बंदे को जो अभी इस वीडियो में आया नहीं है क्योंकि उसने मना कर दिया था। तो बस हम 2 बंदे अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े इस टूर पर। तो टूर की इब्तदा ऐसे हुई, तो अभी क्योंकि बंदे शॉर्ट थे इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे लोकल। तो सबसे पहले नाश्ता शाश्ता जैसे आपने देख लिया, नाश्ता किया, नाश्ता करके सीधा पहुंचे हरिपुर अड्डे पे। हरिपुर अड्डे पे जो है ना वो लोकल हाईएस्ट पकड़ी, वो 320 रुपये किराया दे के उसे पहुंच गए मानसेरा। मानसेरा दूसरा बंदा मौजूद था, साथ उसको लिया और पहुँच गए नारान वाली गाड़ी पे। नारान वाली गाड़ी पे बैठे रस्ते में एक जगह रुकी, वहाँ चाय शाय के साथ जो है ना वो फुल इंजॉय किया माहौल को। चाय बाय पीने के बाद हम दोबारा आगे अपने सफ़र को रवाना करते हुए चल पड़े। जैसे जैसे सफ़र गुजरता जा रहा था एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि नारान को इस हालत में देखेंगे कि जब नारान में कोई भी नहीं है, बिल्कुल एकदम खामोशी है, तो कैसा फील होगा। तो जैसे ही एक फर्स्ट लुक आई नारान की सामने, आँखों के सामने नारान को देखा, आए हाय हाय हाय, एकदम जो है ना वो मज़ा ही आ गया। फिर पहुँचे होटल में। फाइनली अभी जो है ना हम नारान होटल में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो है ना रूम हमें बड़े ही मुनासिब रेट में मिला है। तो आपको थोड़ी सी डिटेल में पहले की बताता हूँ कि हरिपुर से नारान का या पिंडी इस्लामाबाद से नारान मानसेरा का जो किराया है, ठीक है, वो तकरीबन हरिपुर से जो है ना वो 320 था हाईएस्ट पे, ठीक है, और मानसेरा से आके आगे नारान का किराया वो 650 पर हेड है, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी जो है ना वो रीज़नेबल किराया है। तो आप लोग आना चाहें तो ये बेस्ट वे है, लोकल अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद आके जिस तरह के अभी हालात हैं नारान के, तो बहुत ही मुनासिब रेट में हमें जो है ना वो रूम भी मिल गए हैं। अभी हमने जो रूम लिया वो 1500 रुपये पर नाइट हमें मिला है, और वो काफ़ी एक जो है ना रीज़नेबल प्राइस है नारान के हिसाब से, क्योंकि जो नॉर्मली आपको मिलता है वो कम से कम आपको 7-8 हज़ार, 6 हज़ार तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये आपको एक मुनासिब रूम मिलता है, तो आप लोग आए अभी तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। अभी जो है ना वो मैं थोड़ा करने के लिए जो है ना इस वक्त आपको मैं दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त व्यू है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि नारान बाज़ार अभी जो है ना वो बिल्कुल खाली है, कोई इतना आवाज़ वगैरह रश नहीं है कि आप कहेंगे बहुत ज़्यादा रश है, तो इस वजह से नारान जो है एक्सपेंसिव भी नहीं है। फाइनली यार रात का टाइम है, और अभी यहाँ जिस होटल में रुके थे उसका व्यू, और वो सामने जो है ना वो गेटवे फैमिली रेस्टोरेंट है, ठीक है। यहाँ का खाना बड़े मज़े का होता है, और ये यानी होटल है, और ये रूम है, और ये सारी गैलरी है। यहाँ पे भी आके काफ़ी सारे रूम्स वगैरह बने हैं, और कुछ कुछ मेरे ख्याल से लोग आए भी हुए हैं। और ये नीचे इसके जो है ना हमारा जो रूम है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, उस पे मेरे ख्याल से काफ़ी सारे रूम्स जो है ना वो लग चुके हैं। तो जो अवेलेबल था वो फर्स्ट फ्लोर में ही था,
अभी मेरा मूड बना है नीचे जाने का, कुछ चीज़ें शीज़ें लेके आने का, तो चीज़ें शीज़ें लेके कर जो है ना फिर वापस आते हैं। नहीं ना, रात सुबह हो चुकी है और उठे हैं, बाहर में गया था ज़रा कपड़े वगैरह प्रेस करने का पता करने के लिए, और आप यू चेक करें यार कितना खामोश है सब। मेरा नॉर्मली जो है ना हिंदी में इस टाइम पर काफ़ी रश होता है, लेकिन अभी जो है ना वो बिल्कुल खामोशी है नारान में। कुछ एक दो जीप्स वगैरह जो है ना वो कहीं जा रही हैं तो जा रही हैं, उसके अलावा बाकी हर तरफ खामोशी है। तो कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए देते हैं और उसके बाद जो है ना फिर आगे देखते हैं क्या प्लान है। तो फाइनली यार हम नारान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि नारान आए और नारान में सैफल मलूक बाबू सरटाप देखे बिना नारान से ही जो है ना वो वापस जा रहे हैं। तो क्योंकि हमारी जो प्लानिंग इस तरह थी कि हमने जस्ट दो दिन का टूर करना था, तो नारान आए, नारान घूमे, फिर नारान को खाली सा देखा, बड़ा मज़ा आया और उसके बाद वापस जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को मस्त लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट नारान के टूर में जब आएंगे और घूमें फिरेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।